अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो एक परिभाषा तो क्या हो गई कि जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरी डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि किसी प्रक्रम में पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कोई हमारे पास अणु है, एक तो ए बी और दूसरा सी ले लो या सी डी ले लो, सी ले लेते हैं, उनके बीच में क्रिया कराने पर क्या होता है कि पुराने बंध टूटते हैं। जैसे ए और बी के बीच में बॉन्ड है, बंध है, ये तो टूटेगा और नया बंध बनेगा। तो ए और बी के बीच में टूटेगा और बी और सी के बीच में जैसे बनेगा, तो अब क्या बनेंगे, बी बी सी प्लस ए। और ये जो अणु क्रिया से पहले जो अणु थे वो कहलाएंगे क्रिया कारक या अभिकारक। तो क्रिया में भाग लेने वाले अणु कहलाते हैं क्रियाकारक या अभिकारक। और जो क्रिया के बाद बनेंगे वो क्रिया फल या प्रोडक्ट उत्पाद। ये रिएक्टेंट और वो प्रोडक्ट। तो क्रियाकारक क्या होंगे, क्रिया में भाग लेने वाले अणु क्रियाकारक या अभिकारक तथा क्रिया में बनने वाले अणु कहलाते हैं क्रिया फल या उत्पाद। तो ये हो गए डेफिनेशन। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, एक तो जैसे किसी अभिक्रिया को हम लिखते हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्रिया करके बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। एक इसको हम इस प्रकार से लिखें, कार्बन को सी लिख दिया, ऑक्सीजन को O2 लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिख दिया। तो ये क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। जब क्रिया कारक और क्रिया फलों को शब्दों में न लिखकर सूत्र के रूप में लिखा जाए तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्रिया में भाग लेने वाले अणु क्रियाकारक और बनने वाले अणु अभिकारक कहलाते हैं। तो ये है रासायनिक समीकरण। अब है रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। तो रासायनिक समीकरण जैसे हमने लिया था C+O2 CO2, तो क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्रियाफल और क्रियाकारकों की जानकारी प्राप्त होती है। क्रियाकारक और क्रियाफलों की जानकारी प्राप्त होती है कि कौन से अणु भाग ले रहे हैं। जैसे इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं क्रियाफल कार्बन डाइऑक्साइड। तो नंबर वन क्या हो गया, क्रियाकारक और क्रियाफलों की जानकारी मिलती है। क्रियाकारक और क्रियाफलों के अणुओं की जानकारी होती है कि कितने अणु भाग ले रहे हैं। जैसे क्रियाकारक के एक तो कार्बन का एक, ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर क्रियाफल के एक अणु बना रहे हैं। यदि ये अभिक्रिया हो N2+3H2 2NH3, तो यहां पर नाइट्रोजन का एक अणु, हाइड्रोजन के तीन अणु और अमोनिया के दो अणु है। क्रियाकारकों के नाइट्रोजन का एक और हाइड्रोजन के तीन अणु मिलकर अमोनिया के दो अणु बना रहे हैं। तो रासायनिक समीकरण से हमें क्रियाकारक और क्रियाफलों के अणुओं की जानकारी होती है। तीसरा,
रासायनिक समीकरण संतुलित होता है, यानी जो तीर का निशान है उसके दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर रहती है। इधर कार्बन कितने हैं? एक है। उधर कार्बन के परमाणु कितने हैं? एक। इधर ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? दो। इधर कितने हैं? दो। तो ये समीकरण कहलाएगा संतुलित। लेकिन यदि समीकरण संतुलित नहीं है तो उसे संतुलित करना पड़ेगा, जैसे N2+H2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर बनाती हैं अमोनिया। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों पक्षों में, दोनों साइड में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे इधर नाइट्रोजन कितने हैं? दो है। इधर नाइट्रोजन कितने हैं? एक। इधर तो नाइट्रोजन दो है और H कितने हैं? H भी दो है। इधर नाइट्रोजन कितने हैं? एक और H कितने हैं? तीन। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल विधि काम में लेते हैं, अनुमान विधि काम में लेते हैं। तो जैसे इधर नाइट्रोजन दो है, इधर नाइट्रोजन एक है, पहले तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो परमाणु है उनको पहले संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के अलावा क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इधर दो, इधर एक है। अगर यहाँ हम दो से गुणा कर दें तो नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे? इधर अब दो हो गए। अणु के आगे कोई अंक लिखा होता है, डिजिट लिखा होता है, तो वो सभी परमाणुओं से गुणा होता है। तो अब नाइट्रोजन हो गए दो और हाइड्रोजन हो गए छः। और इधर कितने हैं? नाइट्रोजन दो, हाइड्रोजन दो। तो अब क्या करें, हाइड्रोजन को बैलेंस कर ले। हाइड्रोजन इधर दो है, उधर छह है, तो क्या करने है? उचित संख्या से गुणा कर देंगे, तीन से गुणा कर दिया तो क्या हो गया? हाइड्रोजन छह हो गए। प्रतीक के पीछे लिखा हुआ डिजिट केवल उसी का होता है। जैसे यहां पर तीन लिखा है तो ये एच तीन माने जाएंगे। एच के तीन परमाणु होंगे, नाइट्रोजन के तीन परमाणु नहीं होंगे। और आगे जो डिजिट लिखा है वो पूरे अणु में जितने भी प्रतीक है सभी से गुणा होगा। तो यहाँ हाइड्रोजन के परमाणु कितने होंगे, एटम्स कितने होंगे? तीन। तो इसके थे ही आगे गुणा दो से हो रहा है तो छह हो जाएंगे। और नाइट्रोजन कितने होंगे? दो। तो अब यहाँ हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो गए? दो तो पहले थे ही, तीन से गुणा करने पर ये हो जाएंगे छह। अब ये समीकरण कैसी है? संतुलित है, बैलेंस्ड है। और एग्जांपल लेना चाहो तो जैसे प्रोपेन है C3H8, इसका दहन करते हैं। ये प्रोपेन एक हाइड्रोकार्बन होती है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन के दहन से यानी ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, जलाएंगे, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है पूर्ण दहन से। तो संतुलित अगर नहीं है तो संतुलित करेंगे। इधर कार्बन कितने हैं? तीन है। उधर कार्बन कितने हैं? एक है। एच कितने हैं? इधर आठ है दोनों के मिला के। और उधर एच कितने हैं दोनों को मिला के? दो। ओ कितने हैं? इधर दो है। इधर कितने हैं? दो और एक तीन। तो पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो परमाणु है उनको संतुलित करेंगे। तो क्या है? कार्बन है। कार्बन इधर तीन है, उधर एक है, तो किसी उचित संख्या से गुणा करेंगे। तो जैसे इधर तीन है तो इधर हम तीन से गुणा कर दें। तीन से गुणा करने पर क्या होगा? कार्बन कितने हो जाएंगे? तीन हो जाएंगे। कार्बन कितने हो जाएंगे? तीन। इधर तीन थे ही। हाइड्रोजन अब कितने हैं? इधर तो आठ है, इधर दो है, तो क्या करें? चार से गुणा कर दें। चार से गुणा करने पर हाइड्रोजन कितने होंगे? आठ। अब ऑक्सीजन देखो, कार्बन बराबर हो गए, हाइड्रोजन बराबर हो गए,
ऑक्सीजन इधर दो है, उधर कितने हैं, तीन दोनों छः, छः तो ये हैं और चार ये हैं, छः और चार दस हो गए, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, दस। अणु के आगे जो डिजिट लिखा होता है वो सभी परमाणु से गुणा होता है, तो तीन कार्बन हो गए, ऑक्सीजन छः हो गए, दो तो पहले थे, और परमाणु के पीछे जो डिजिट लिखा होता है वो केवल उसी का होता है, जैसे ये टू केवल ओ का है, कार्बन का नहीं, लेकिन आगे लिखा हुआ वो सभी परमाणुओं का गुणा होता है, तीन कार्बन होंगे और ऑक्सीजन होंगे छः। ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन तो कितने हैं, पहले कितने थे, दो, चार से गुणा करने पर कितने हो जाएंगे, आठ, और ऑक्सीजन पहले कितना था, एक, लेकिन चार से गुणा होकर कितना होगा, चार, तो चार प्लस छः कितने हो गए, ऑक्सीजन दस। अब उधर ऑक्सीजन दस है, इधर दो है, कार्बन और हाइड्रोजन बराबर है लेकिन ओ में फर्क आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, इधर पांच से गुणा कर देंगे, तो ऑक्सीजन इधर कितने हो जाएंगे, दस हो जाएंगे। तो अब ये क्या है, समीकरण संतुलित है। और एग्जांपल लेना चाहो तो N2+O2 NO, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, तो यहाँ N कितने हैं, दो है, O कितने हैं, दो है, इधर N कितने हैं, एक है, O कितने हैं, एक है, तो क्या करें, इधर दो से गुणा कर दें, दो से गुणा करने पर N दो होगा, O भी क्या होगा, दो, तो समीकरण क्या हो गई, संतुलित। और एग्जांपल ले लो KClO3, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, इसका ताप अपघटन करें, हीट देकर इसको सरल अणुओं में तोड़ें, KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस O2 ऑक्सीजन, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, या ऑक्सीजन है, इधर तो पोटेशियम के परमाणु कितने हैं, के वन है, इधर कुल मिलाकर कितने हैं, के वन है, क्या तो बराबर है, सीएल कितने हैं, सीएल इधर वन है, इधर भी वन है, बराबर है, ठीक है। अब बचा ओ, ओ इधर तीन है, उधर दो है, तो क्या करें, अगर इधर तीन से गुणा कर देंगे तो छह हो जाएगा, तो फिर इधर तीन बचेंगे, इधर टू से कर देते हैं, टू से करने पर कितने हो गए, पोटेशियम इधर दो हो गए, सीएल दो हो गए, पोटेशियम दो, सीएल दो, और ओ कितने हो गए, दो दिया छह, छह हो गए, और इधर क्या करें, टू से गुणा कर दें, उससे गुणा करने पर पोटेशियम कितने होंगे, दो, सीएल कितने होंगे, दो, के और सीएल बराबर हैं, और ओ कितने हैं, इधर दो, इधर छः, इधर तीन से गुणा कर दें, तो ओ कितने हो जाएंगे, छः, तो ये समीकरण हो जाएगी संतुलित, टू के सी एल ओ थ्री से टू के सी एल प्लस थ्री ओ टू प्राप्त होंगे। रासायनिक समीकरण की चौथी विशेषता क्या है, कि इससे क्रियाकारक और क्रियाफलों का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, तो जैसे कार्बन का कितना होता है 12, और O2 का कितना होता है, एक O का होता है 16, दो का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पर दो है, एक परमाणु का 16, तो दो के कितने होंगे, 32, और इधर कार्बन का होता है 12, O का कितना होता है 16, दो परमाणु है तो 32, बराबर कितना आएगा, 44। तो क्रियाकारक और क्रियाफलों के अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। पांचवा क्या है, कि क्रियाकारकों का कुल अणुभार क्रियाफलों के कुल अणुभार के बराबर होता है, अर्थात द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। रासायनिक समीकरण
द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं, मतलब क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है क्रियाफलों के कुल द्रव्यमान के। इन दोनों का कुल द्रव्यमान कितना है, 12 + 32 = 44 होगा, उधर कितना है 44। और क्या विशेषता है, क्रियाकारक व क्रियाफल गैसीय अवस्था में हो तो उनका आयतन ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कार्बन तो क्या ठोस होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो इनके हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन ज्ञात कर सकते हैं। ये सॉलिड होता है, ये गैस, ये गैस। पढ़ा होगा 9th क्लास में एनपीबी पर, एक मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। मोल की संख्या ज्ञात करके इनका आयतन कैलकुलेट कर सकते हैं।